सर, बहुत सारे लोगों ने आप पार्टी ज्वाइन किया है, क्या कहना चाहेंगे? आज फरीदाबाद के अंदर हमारे बहुत से साथी दूसरी पार्टियां छोड़ करके आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस अपेक्षा के साथ वो आम आदमी पार्टी में आए हैं इस देश को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिवादी सांप्रदायिक ताकतें जिस तरीके से इस देश में हावी हो रही है, उन सब के खिलाफ़ एक मजबूत आवाज़ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो देश में बनकर के उभर रही है, उसको और ज़्यादा ये सब साथी ताकत देंगे और इन साथियों का आने वाले समय में इस पार्टी में उज्जवल भविष्य हो, ये नया नेतृत्व बन के इस प्रदेश का नेतृत्व कर सके, ऐसी हमारी इन सभी को शुभकामनाएं हैं। साथ साथ आज पिछले 39 दिनों से कलरकों की जो हमारे साथी, हमारी बहनें बैठी हैं, उनकी हड़ताल का आज 39 दिन पूरे हो गए, 40वां दिन है। और हम सब जानते हैं कि आज हरियाणा के अंदर, वैसे तो ये सरकार कहती है कि हम सबसे आगे हैं, लेकिन जो पंजाब है, दिल्ली है और विभिन्न प्रदेश हैं, आज भी जो हमारे कलरक साथी हैं उनको हरियाणा के अंदर उन प्रदेशों से कम जो सैलरी है वो दे रहे हैं। और इसी बात को लेकर के, मांग को लेकर के वो लंबे समय से बैठे हैं कि 35,400 वो पे ग्रेड उनको दिया जाए, ताकि वो भी दूसरे कर्मचारियों की तरह इस महंगाई की मार को झेल सकें, उसको परास्त कर सकें, अपने परिवार का जीवन यापन बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकें। और हम जब सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये सरकार आखिर में झुकती है, लेकिन झुकती तब है जब देर हो चुकी होती है। ऐसे ही किसानों के मामले में भी हुआ, 3 कृषि काले कानून ये वापस लेकर के आए, आखिर में उनको वापस लेना पड़ा। और ऐसे में अभी फिर दोबारा इस सरकार ने 3 मीटिंगें करी हैं, लेकिन सभी 3 की 3 मीटिंग बेनतीजा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब 3 मीटिंग में से एक भी मीटिंग में नहीं गए। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनकी आवाज़ को दबाना चाहती है, उनके मुद्दों को कुचलना चाहती है, और ऐसे में हम उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। पहले भी सरकारों ने ऐसा करके देखा था, लेकिन सरकारें कामयाब नहीं हुई। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे, आज नई घोषणा हुई है कि एस्मा लगा दिया है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जिसके माध्यम से अगर कोई लंबे समय तक इसमें एब्सेंट रहेगा बिना किसी कारण, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो मैं तो सरकार से यही कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारी सभी साथियों को एक ही बात है कि जो ये आप डर दिखा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उससे अच्छा ये हो कि आप इनकी मांगों का जल्दी से जल्दी समर्थन करें, मांग पूरी करें। और हमारे साथी जो आज सड़कों के ऊपर है पिछले 40 दिन से, वो अपने काम पे लौटें, ताकि प्रदेश की जनता को भी किसी तरह की असुविधा ना हो और दोबारा ये साथी अच्छे तरीके से काम कर सके, प्रदेश की तरक्की में भूमिका निभा सके। पहले भी इन्होंने ये करके देखा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जल्दी इस तरह का जो काला कानून है, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने यही किया कि दिल्ली सेवा बिल पास करके वहाँ के कर्मचारियों को भी अपने कंट्रोल में तानाशाही रवैये से अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश करी, और आज हरियाणा के अंदर भी वही कर रहे हैं। तो इसका आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से विरोध कर रही है, और मैं समझता हूँ कि हमारे उन सभी साथियों के साथ मिलकर के हमने जगह जगह समर्थन भी दिया, और जब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी हम उनके समर्थन में पूरी मजबूती से लगे रहेंगे। आपने किसानों की बात की, हरियाणा सरकार ने अब तक किसान को लेकर जो बाढ़ में नुकसान हुआ है उसके लेकर कोई घोषणा नहीं की है, गिरदावरी भी नहीं। देखिए, मैं अभी 3 दिन पहले भी फतेहाबाद में था, सिरसा में हम गए, अभी भी बहुत से इलाके हरियाणा के अंदर ऐसे हैं, चाहे वो
रोहतक से जब आप गोहाना जाते हो वो है, पंचकुला का इलाका है, करनाल में कई इलाके हैं, फतेहाबाद तो बहुत बुरी तरीके से सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित ज़िला है तो वो फतेहाबाद है। मुख्यमंत्री जी वहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराने की बात कर रहे हैं, तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि आने वाले समय में घग्गर का, रंगोई नाले का, ये जितनी भी टांगरी है, दूसरी मार्कंडे नदी है, इनके ऊपर जो तटबंध है उनको पक्का किया जाए, एक बड़ी घोषणा हो, तब तो मैं समझता हूँ कि हमें आज़ादी मिलेगी। ये बाढ़ से आज़ादी, आज तो सबसे बड़ी बात ये बाढ़ से भी आज़ादी दिला दें, ये बाढ़ ने जिस तरीके से वो किया है, और बड़ी घोषणा करके हमारे किसान साथियों को राहत दें, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ, पहले हवाई दौरा किया था उन्होंने, अब ज़मीन पर पहली बार जाएंगे 15 तारीख को फतेहाबाद में, तो कुछ ना कुछ राहत देंगे। ऐसे ही नारायण खेड़ा हमारा गांव है, वहाँ के किसान भी टंकी पे बैठे हैं, 750 करोड़ रुपए का मुआवजा उनको भी देना है। तो आप ये कह रहे हैं, आज कृषि मंत्री का बयान आया कि टेक्निकल कमेटी में, अरे भाई टेक्निकल कमेटी, 2 साल से टेक्निकल कमेटी में ही मामला चल रहा है, इनको भी राहत देने का काम करें। और आज प्रदेश, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, सरकार की विदाई प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, तो अगर समय रहते सही फैसला लेंगे तो जनता कुछ विचार करेगी, नहीं तो जनता पंजाब और दिल्ली की तरह पूरा सूफड़ा साफ कर देगी। झाड़ू उड़ने लगी हवा में, आपने देखा झाड़ू के झंडे उड़ रहे थे अभी यहाँ, आज सैकड़ों की संख्या में जब ज्वाइनिंग हुई है तो अच्छे संकेत हैं, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ते रहे। बिजली आंदोलन चला, एक तरफ आप कह रहे हैं कि लगातार हवा निकलती, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास, पर जो बाढ़ आई है उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल से भरपाई करने की बात कह रहे हैं, परंतु क्षतिपूर्ति पोर्टल में बाजरा चढ़ा रखा, जबकि उस क्षेत्र में बाजरा है ही नहीं, ये किसकी गड़बड़ झाला चल रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है, मैं समझता हूँ जिस मकसद के साथ, हम ये नहीं कहते कि सरकार की मंशा गलत है, हो सकता है ठीक है, लेकिन ये पोर्टल काम कहाँ कर रहे हैं? पोर्टल काम नहीं कर रहे, और जब कई इलाकों से, ये मैं जब बाढ़ ग्रस्त इलाकों में था, जब बाढ़ आई थी, चाहे वो सिरसा हो, फतेहाबाद का इलाका हो, अम्बाला का इलाका हो, लोग ये कह रहे थे कि हम पहले अपने घरों को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं, या क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर जाएं। और पोर्टल जब पूरा नेटवर्क ही ख़त्म हो गया था उस समय, जो साहा है अम्बाला का, जहाँ वोडाफोन का पूरा सिस्टम रखा हुआ था, वो कोलैप्स कर गया, तो आपके पोर्टल चलेंगे कहाँ से? तो ऐसे में सरकार को बारीकी से काम देखना चाहिए, गिरदावरी भी करवानी चाहिए, केवल क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है उसके ऊपर आधारित ये सर्वे ना रहे। जो यमुना में रेती बहकर आई है उस पर माइनिंग की बात कर रहे हैं डिप्टी सीएम, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि किसान को जो लॉस हो गया उसका तो ये पूरा लॉस की भरपाई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन जो रेत आ गया, अब रेत जल्दी से जल्दी उठना है, अगर सरकारी प्रक्रिया के माध्यम से जाएंगे तो कहीं 5 फीट रेत है, कहीं 3 फीट है। डिप्टी सीएम, मैं वही कह रहा हूँ, डिप्टी सीएम के बयान पर ही मैं कह रहा हूँ कि अगर वो सरकारी प्रक्रिया के तहत जाएंगे तो ये इनका रेता उठने में तो 2-3 फसल और ख़राब हो जाएंगी, इसलिए किसान बंधुओं को स्वतंत्रता देनी चाहिए। जो रेत आ गया, जो प्रकृति ने दे दिया, जो बाढ़ दी, तो उसको तो कोई वो नहीं हुआ, लोगों के मकान बैठ गए, उसके अनुरूप तो ना मुआवजा मिल सकता, ना फसल का, ना मकान का। तो ये जो प्राकृतिक आपदा में जो कुछ अगर उनको राहत मिल सकती है तो रेता उठाने की उनको परमिशन दी जाए, ताकि वो खुद रेता उठाएं और जल्दी से जल्दी दोबारा फसल को सके। हिस्सा भी मांग रही है सरकार? सरकार का 2/3 हिस्सा पूरी तरीके से अनुचित है, और मैं समझता हूँ कि इतनी बेशर्माई नहीं होनी चाहिए कि किसान को हर तरीके से मारने का काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। अशोक तंवर जी थे जिन्होंने बारीकी से बताया कि आज जो ज्वाइनिंग हुई है उसका क्या फर्क पड़ेगा आम आदमी पार्टी पर। इनका तो साफ कहना है कि आप पार्टी की सरकार आने वाले वक्त में हरियाणा में बनने वाली है, तो एक बड़ी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई है। बाकी जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।